मैं संजय मिश्रा एक दिन के लिए आ रहा हूँ रायपुर आपके पास। जैसे मेरे दादी को उनके डेथ के बाद यहाँ लाएगा वैसे मुझे जीते जी ले आएंगे। लंदन जापान कनाडा औलाद के बात कर सकते लड़की का तो आप मनी डॉक्टर का ध्यान ले देखो डॉक्टर कांग्रेचुलेशन आवे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है दोस्तों, मैं एक थिएटर प्ले देखने के लिए जा रहा हूँ, स्टेज ड्रामा। तो आपको भी लेके चलता हूँ और देखते हैं आज का प्ले किस तरह से होने वाला है। अभी फिलहाल मैं रूम पर हूँ और यहाँ से मुझे जाना होगा घड़ी चौक, और वहाँ है महंत गुरु घासीदास संग्रहालय। वो एड्रेस मिला है कि वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे आगे और देखते हैं आज का वीडियो किस तरह से होने वाला है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियोस आपको आगे देखते को मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। ऑटो भैया किस तरफ जा रहे हैं आप? चल भाई चल, जाना पड़ेगा। आगे चौक तक चलेंगे ना आप? नहीं यार, मैं किसी का घड़ी चौक जाऊंगा ना। अच्छा, घड़ी चौक जाएंगे आप? हाँ, आपको जाना है आकाशवाणी। चलिए घड़ी चौक चलिए। तो जी लग रहा है अभी पहुंचा हूँ मैं। फाइनली गाइस, अभी जो है मैं पहुंच गया हूं सांस्कृतिक भवन, और यहां जो प्रोग्राम रखा गया है उसका थीम नेम रखा गया है हमर पहुना। हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पहुना बन के आए हैं। बॉलीवुड से हमारे बीच संजय मिश्रा जी हैं और राकेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच आज इस प्रोग्राम में, और देखते हैं उनका प्रोग्राम। और आज का जो थिएटर प्ले है वो भी देखते हैं। और ये जो थिएटर प्ले रखा गया है हबीब तनवीर जी उनके जन्म उत्सव पर ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आज का प्रोग्राम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप एक हास्य अभिनेता है, तो उस समय आप कैसे जीते हैं उस पल को और कैसे अभिनय करते हैं? कौन से अभिनेता से सवाल है सर? हास्य। अरे तो संजय सर से। अच्छा संजय सर, आपका प्रश्न है आपके लिए। मुझे यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये एक अभिनय चल रहा है। जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो जिंदगी दिखाई राम राम सत्य बोलते हुए घर आके मैं कर लेना। तो जब तक उसकी तैयारी चली मैं सोच रहा था, अरे तो नहीं समझाने यार, जैसे मेरे दादी को उनके डेथ के बाद यहाँ लाएगा वैसे मुझे जीते जी ले आएंगे, कहीं तो कोई ऊपर लिखता होगा। आ गए जी, एंट्री हो गई। तुरंत अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी बोल रहे अब तो तब तुम क्या बोल रहे हो संजय, तुमको क्यों सोचा मिलेगा, तुम्हें पिक्चर क्यों करते हो? हम अरे भाई कर लिए तो क्या करें, अब बताओ। कहीं मना कर कुछ बेटा, पता नहीं कुछ भी पीछे पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए यार। तो वो आप लोगों की उपस्थिति में उसकी शुरुआत होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा अगर आप नाटक देख सके। यह आप देख पा रहे हैं किस तरह से शो की तैयारियां की जा रही हैं। अरे मत पूछ जी, अब कोई कहते जीने घूमे हो? अच्छा जी, आओ लंदन जापान कनाडा अफ्रीका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पूरा यूरोप घूमे फिर वापस आ रहे हैं। अच्छा वापस कहां पर आ गए जी? और इस तरह से प्ले की शुरुआत हो रही है। और ये जो प्ले है ये मराठी नाटक का एक हिंदी अनुवाद है जिसका नाम है मोगरा जियत हवे, और इसको छत्तीसगढ़ी में यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। सो वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। और मोगरा जियत हवे इस नाम के पीछे का क्या राज है, क्या इस प्ले की कहानी है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो बने रहें अंत तक।
अभिनेट में है दोनों। नाटक देख भाई। यह नाटक उन असहाय लोगों की कहानी कहती है जो धनी और सत्ता में आसीन लोगों द्वारा प्रताड़ित और शोषित है। नाटक में गांव का धनी सरपंच जो देसी दारू का व्यापारी है उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों से है और युक्तिवाद और सत्ता का सहारा लेकर वो मासूम लोगों पर अत्याचार करता है। उसके विरुद्ध बोलने का साहस किसी में नहीं है पर नाटक में एकमात्र वाक्य मोंगरा जिया धावे इससे उसके अत्याचारों का रहस्य खुल जाता है जिसे एक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा सामने लाया जाता है। इस नाटक में पूरे देश में हो रहे नारी शोषण और अत्याचार के विषय को केंद्र में रखा गया है। इसके गुनाहगारों को सजा हो इस पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये नाटक पूर्णतः काल्पनिक है पर घटना हमारे आसपास हो रहे वास्तविकता की तरफ इशारा करता है। तो ये थी मोंगरा जिया धावे इस प्ले इस नाटक की कहानी। और ये जो प्ले है 1 घंटा और 20 मिनट का है। सो वीडियो बहुत लंबा बनता इसलिए मैंने शॉर्ट में एक वीडियो बनाया है। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।